गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम चल रहे थे एक्सरसाइज, कौन सी थी हमारी, फिफ्थ बी थी, एक्सरसाइज फिफ्थ बी स्टार्ट कर दी थी। उसके हमने क्वेश्चन भी करवाए थे, तीन क्वेश्चन हो गए थे। उसका चौथा क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, क्वेश्चन लेते हैं फोर क्या है। क्वेश्चन नंबर फोर में डीएक्स अपॉन क्या है, डीएक्स अपॉन एम एन और क्या है वाई माइनस जेड और क्या है इसमें एल और है ऊपर एल प्लस क्या है एम डी वाई अपॉन कितना है एन एल जेड माइनस एक्स एन एल जेड माइनस एक्स और प्लस कितना है एन बराबर में है सभी एन डी जेड अपॉन क्या है एम और एल एक्स माइनस वाई ठीक है ये है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है, हमें ऐसा देखना पड़ेगा कि हमारा समाकलन हो जाए। दो हमें स्टेप से लेना है कि हमारा समाकलन हो जाए, समाकलन से आंसर आ जाए। तो क्या करेंगे, मान लो हम ये दोनों ले लेते हैं तो फिलहाल इसमें से ना तो कुछ कट पाएगा, तो इसी को हम क्या ले रहे हैं, इसमें हम एल से गुणा करवा रहे हैं ऊपर नीचे, इसमें एम से गुणा करवा रहे हैं ऊपर नीचे, इसमें एन से गुणा करवा रहे हैं ऊपर नीचे। तो हम किस टाइप से लिख रहे हैं, इसमें एल से गुणा करवाएंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा ये डी एक्स, प्लस इसमें एम से गुणा करवाएंगे तो ये एम स्क्वायर डी वाई हो जाएगा, और इसमें एन से गुणा करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा एन स्क्वायर और डी जेड ठीक है। एल से करवा दिया, एम से करवा दिया, एन से ऊपर करवाएं तो नीचे भी करवाना पड़ेगा, इसमें एल से करवाओ क्या होगा एल एम एन और वाई माइनस जेड प्लस क्या आएगा, इसमें एम से करवा रहे तो वही एल एम एन हो जाएगा जेड माइनस एक्स, इसमें एन से करवा रहे नीचे तो क्या होगा ये एल एम एन और कितना एक्स माइनस वाई ठीक है ऐसा हो जाएगा। अब ये नीचे वाला जीरो हो जाएगा, इसमें इसमें से हम कोई एक ले लेते हैं एल डी एक्स बटे एम एन और वाई माइनस जेड बराबर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर डी एक्स प्लस एम स्क्वायर डी वाई प्लस एन स्क्वायर डी जेड। नीचे क्या रह जाएगा, इसमें से एल एम एन कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई ये बच जाएगा। अब यहां पर कट रहे हैं, एक्स कट रहा है, वाई भी कट रहा है, जेड भी कट रहा है, तो क्या बचेगा ये बच जाएगा एल डी एक्स बटे एम एन वाई माइनस जेड और बराबर कितना एल स्क्वायर डी एक्स प्लस एम स्क्वायर डी वाई प्लस एन स्क्वायर डी जेड। देखना एल स्क्वायर ये ऊपर वाला जैसे तैसे रह गया, नीचे क्या आएगा ये देखना वाई कट रहा है, जेड भी कट रहा है, एक्स भी कट रहा है, तो नीचे क्या रह जाएगा जीरो, जीरो जाएगा उसको भी जीरो कर देगा इलेवन को। अब जीरो को यहां से हटाएंगे तो यहां चला जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो इक्वल टू क्या, ये जीरो उधर चला जाएगा, सब पूरा जीरो कर देगा, इधर क्या रह जाएगा एल स्क्वायर डी एक्स और प्लस कितना एम स्क्वायर डी वाई प्लस कितना आएगा एन स्क्वायर डी जेड ठीक है ऐसा रह जाएगा। अब इसका हम समाकलन कर देते हैं, इसका क्या कर दे, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर जीरो बराबर कितना एल स्क्वायर डी एक्स प्लस कितना एम स्क्वायर डी वाई प्लस कितना एन स्क्वायर और डी जेड। समाकलन कर दिया तीनों पदों का, एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो समाकलन किसका होगा यहाँ वन का समाकलन एक्स के सापेक्ष वन हो जाएगा, यही कॉन्स्टेंट सी वन आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये एल स्क्वायर एक्स प्लस एल स्क्वायर वाई
और प्लस एन स्क्वायर जेड, ए का आंसर तो हमारा हो जाएगा ये, ठीक है। ये हमारा क्या है पहला आंसर, इसका समाकलन कर चुके हैं, हमारा मान क्या आ गया, ये प्राप्त हो गया सी वन इक्वल टू कितना एल स्क्वायर एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई प्लस एन स्क्वायर जेड, इतना प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्या करते हैं, हमें आंसर दो चाहिए। अब और गुणक देखें, इसमें तो हमने गुणक क्या लिए थे, एल एम एन लिए थे, गुणक क्या लिए थे, गुणक एल एम एन लेने पर, ये हमारा क्या है गुणक एल एम एन लेने पर आया ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कौन सा है, पेज वन है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले यहां तक, अभी हमें एक आंसर और चाहिए। ठीक है, ये है हमारा एक आंसर और चाहिए अभी हमें, तो क्या करेंगे उसके लिए, ये हमारा प्रश्न है। पहले हमने गुणक क्या लिए थे, एल एम एन लिए थे, अब की बार हम एक्स वाई जेड ले लेते हैं, अब की बार गुणक क्या ले लें, एक्स वाई जेड, गुणक एक्स वाई जेड लेने का मतलब क्या है, आंसर हमने एक्स से गुणा, वाई से गुणा और जेड से गुणा, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं पुनः प्रश्न से गुणक एक्स वाई जेड लेने पर, गुणक क्या ले रहे हैं, गुणक ले रहे हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड लेंगे गुणक तो क्या मिलेगा, इसमें एक्स से गुणा कर रहे हैं, इसमें भी गुणा एक्स से करवा रहे हैं, तो ये हो जाएगा एल एक्स डी एक्स प्लस एम वाई डी वाई, इसमें वाई का गुणा कर इसमें जेड का, प्लस और साथ ही साथ जोड़ रहे हैं सबको, साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं एम जेड डी जेड, बटे नीचे क्या आएगा, ये एम एन तो जैसे तैसे रख ले, एम एन इसमें किसका गुणा करवा रहे हैं, इसमें गुणा करवा रहे हैं किसका, एक्स का ऊपर नीचे, तो साथ ही साथ एल एम एन का और करवाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि मान लो एक्स गुणा करवा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स जेड हो जाएगा, और एम एन का गुणा फिर इसमें और कहीं बन नहीं पाएगा, तो साथ ही साथ एल का भी करवा रहे हैं, एल एक्स लिख लेते हैं, गुणकों को क्या लिख लें, गुणक एल एक्स कॉमा एम वाई कॉमा एन जेड लेने पर, ठीक है। क्या ले रहे हैं एल एक्स, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा एल स्क्वायर, ये हो जाएगा एल एम एन, और यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स से गुणा करवा दे इसमें एक्स वाई और माइनस कितना एक्स जेड, ठीक है। यहां पर देखें ऊपर गुणा किसका करवा रहे हैं, एम का एल एक्स का करवा रहे हैं, और फिर एम वाई का करवा रहे हैं, इसमें एम वाई का गुणा करवाएंगे तो ये एम स्क्वायर वाई हो जाएगा डी वाई, और इसमें एन जेड का करवा रहे हैं तो ये एन स्क्वायर जेड डी जेड हो जाएगा। नीचे क्या आएगा, नीचे वही एल एम एन बन जाएगा, इसमें एम एम वाई का करवा रहे हैं तो एम तो यही पे छोड़ देते हैं, वाई को अंदर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा वाई जेड माइनस वाई एक्स, ठीक है। ये क्या होगा बताओ, इसमें किसका गुणा करवा रहे हैं, एन जेड का नीचे, तो जेड को अंदर भेज देते हैं, एन को बाहर भेज देते हैं, तो बाहर रहेगा तो एल एम एन रह जाएगा बाहर, और जेड को अंदर भेज रहे तो क्या हो जाएगा जेड एक्स माइनस क्या, जेड एक्स माइनस जेड वाई, जेड एक्स माइनस जेड वाई हो जाएगा। तो
और इसके साथ में जो लास्ट वाला है, इसके साथ में इनमें से कोई एक ले लेते हैं, इनमें से कोई एक ले लो, फर्स्ट वाला ले लेते हैं, क्या रह जाएगा, एल डी एक्स बटे कितना एम एन वाई माइनस जेड बराबर उधर क्या आएगा एल स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई डी वाई प्लस एन स्क्वायर जेड और डी जेड। नीचे क्या आएगा, नीचे सब में से एल एम एन कॉमन आ रहा है, एल एम एन कॉमन आ गया, क्या बचेगा एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस वाई एक्स और प्लस कितना जेड एक्स माइनस जेड वाई, इतना रह जाएगा। ये सब कट रहे एक्स वाई, देखो ये रहा एक्स वाई कट जाएगा, वाई जेड ये रहा वाई जेड उल्टे लिखे हुए कट जाएगा, ये माइनस प्लस के ये भी कट जाएंगे, जेड एक्स कट जाएंगे, तो ये यहाँ जीरो रह जाएगा। तो क्या बचेगा एल डी एक्स बटे कितना एम एन वाई माइनस जेड बराबर क्या एल स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई डी वाई प्लस कितना एन स्क्वायर जेड और डी जेड बटे नीचे क्या रह जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब वही तरीका, ये जीरो यहाँ जाएगा, इस पूरे को जीरो कर देगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि इतने की वैल्यू जीरो मिलेगी, यानी कि एल स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई और डी वाई प्लस एन स्क्वायर जेड और डी जेड, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी, क्योंकि ये जीरो यहाँ जाएगा, इस पूरे को जीरो कर देगा। अब इसका हम समाकलन कर देते हैं। अब समाकलन करने पर, समाकलन कर रहे हैं इसका क्या होगा, एल स्क्वायर एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे दो हो जाएगा एक्स के सापेक्ष, प्लस इसका क्या होगा एम स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, वाई का क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे दो, समाकलन कर रहे हैं इसका, एल स्क्वायर तो क्या है कॉन्स्टेंट, जेड का समाकलन होगा कितना जेड स्क्वायर बटे दो, कोई कॉन्स्टेंट क्या लिख ले बराबर सी टू, समाकलन करने पर कॉन्स्टेंट आ जाता है, उसको हम बराबर में लिख ले क्या सी टू, ठीक है। अब ये टू 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 उधर चला जाएगा, तो इसका मतलब क्या रह गई ये एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस कितना एन स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर क्या रह जाएगा टू सी टू, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, हम चाहे तो टू सी टू को क्या लिख सकते हैं, कोई नया कॉन्स्टेंट सी थ्री लिख सकते हैं, टू सी टू को हम नया कॉन्स्टेंट क्या लिख सकते हैं सी थ्री, तो इसी को हम क्या लिख दें एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर कोई सी थ्री, और यही हमारा क्या हो जाएगा दूसरा आंसर। एक आंसर हम पहले निकाल चुके थे इसका, और दूसरा आंसर ये आ गया, ये हमारा पेज कौन सा है पेज टू है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर मिटाते हैं इसे। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन इस टाइप से होते हैं, गुणक देखें या फिर इस टाइप का क्वेश्चन है कि हमारा समाकलन हो जाए, दोनों ओर क्या हो जाए समाकलन, तो इस टाइप से प्रश्न से ही पता चलेगा, ये किससे पता चलेगा प्रश्न से ही। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर कौन सा है फाइव, क्या है dx अपॉन है y माइनस जेड एक्स, dx अपॉन क्या है y माइनस जेड एक्स और dy अपॉन क्या है dy अपॉन है yz प्लस एक्स बराबर dz अपॉन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें देखो क्या किया जा सकता है, यदि हम इसमें किसका गुणा कर दें, इसमें हम गुणा कर दें किसका वाई का कर दें इसमें, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स वाई जेड हो जाएगा, इसमें गुणा कर दें एक्स का तो ये एक्स वाई जेड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा
एक्स है, ये वाई जेड प्लस एक्स है, इसमें हम गुणा करवा रहे हैं किसका, एक्स का ही करवा रहे हैं, इसमें एक्स का गुणा करवाएंगे तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हमारी बनने की संभावना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी में हम क्या ले रहे हैं, इसमें वाई से गुणा करवा रहे हैं, वाई डी एक्स प्लस इसमें एक्स से गुणा करवा रहे हैं एक्स डी वाई, और साथ ही साथ इनको जोड़ रहे हैं फिर, तो इसमें y का गुणा और इसमें x का गुणा, जैसा ऊपर किया वैसे नीचे करना पड़ेगा, इसमें y का गुणा प्लस इसमें x का गुणा, तो y का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये y स्क्वायर, और इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स वाई जेड आ जाएगा, वही y और बढ़ गया तो एक्स वाई जेड हो जाएगा ये, प्लस ये कर रहे हैं इसमें x से गुणा करवा रहे तो ये एक्स वाई जेड हो जाएगा पहला पद, एक्स वाई जेड प्लस इसमें गुणा करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम बराबर ले रहे हैं किसके, डी जेड अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये तो कट जाएंगे, क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा बन जाएगा, तो ये भी हमारा कटने की संभावना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कटने की संभावना है, ठीक है। तो क्या बचेगा बताओ, ये रह जाएगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बटे में कितना, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, डी जेड अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये कट गया, ये यहाँ कट रहा है, तो इसका मतलब क्या बचेगा, दिस इंप्लाइज ये बच जाएगा कितना, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बराबर कितना रह जाएगा, डी जेड। देखें ये तो कट गया, दोनों ओर है नीचे हर हर में है, ये कट जाएगा ये बचेगा, तो इसका समापन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये dx है, तो y का समापन x के सापेक्ष नहीं किया जा सकता, लेकिन इस पूरे को ही क्या लिखा जा सकता है, इस पूरे को ही लिखा जा सकता है d of xy, यानी xy का अवकलन, कैसे, एक बार x जैसे तैसे y का अवकलन dy, एक बार y जैसे तैसे x का अवकलन dx, यानी इस पूरे को dxy लिखा जा सकता है, यानी कि अवकलन किसका, xy का, और बराबर कितना है, डी जेड। अब इसका हम समाकलन कर देते हैं, समाकलन करेंगे तो डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ एक्स वाई बराबर कितना, समाकलन डी जेड, इसका हम समाकलन कर देते हैं, जब ये ऐसा हो गया दोनों तरफ डी डी वाले बन गए, तो डी ये कैंसिल, डी अवकलन और समाकलन आपस में कैंसिल हो जाते हैं, क्या रह जाएगा, एक्स वाई बराबर डी और ये कैंसिल, क्या रह जाएगा, जेड प्लस कोई कॉन्स्टेंट सी वन कह दें, तो ये हमारा आ गया पहला आंसर, ठीक है। देखना अवकलन समाकलन कैंसिल हो गया, एक्स वाई रह गया, अवकलन समाकलन कैंसिल हो गया, जेड रह गया, ठीक है। तो ये हमने गुणक लिए थे, कौन से, वाई का गुणा इसमें और एक्स का गुणा इसमें, अब कोई नया गुणक लेते हैं, अब गुणक क्या ले ले बताओ, क्या लिए जाए कि ये फिर से हमारा काम बन जाए, तो अब की बार एक्स ले लेते हैं गुणक, इसमें एक्स का गुणा और इसमें किसका, वाई का गुणा कर देते हैं, तो पुने पुने क्या होगा, एक्स डी एक्स, एक्स का गुणा करवा रहे हैं इसमें एक्स वाई माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई, वाई का गुणा इसमें करवा दिया वाई डी वाई, तो वाई का गुणा इसमें करवाएंगे तो क्या रह जाएगा, ये वाई स्क्वायर जेड और प्लस कितना, एक्स वाई, ठीक है। अगर इसमें ये भी एक्स वाई है तो हमें ये माइनस करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये कट सकता है, माइनस कर देते हैं तो ये दोनों ही किसके हो जाएंगे, माइनस के। देखना एक्स वाई काटने के लिए हमने इसमें गुणा किया है वाई का, तो वाई का यहाँ भी करेंगे प्लस का, वाई एक्स वाई आएगा, एक्स वाई प्लस का और है, लेकिन माइनस करने से माइनस का हो जाएगा, फिर ये कट जाएंगे, तो हम एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई कर रहे हैं ऊपर, तो जैसा ऊपर किया वैसा ही नीचे करना पड़ेगा, यानी कि dx के नीचे वाले में x का गुणा फिर माइनस इसमें dy वाले में y का गुणा हुआ है तो नीचे भी y का गुणा होगा, इसमें नीचे भी y का गुणा कर दिया और क्या लगा दिया, माइनस लगाया बीच में माइनस, तो ये दोनों ही पद किसके हो जाएंगे, माइनस के। बराबर इसके साथ में कौन सा ले लेंगे, तीसरे वाले में लेते हैं डी जेड अपॉन में क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो गया, ऐसा क्यों किया है, ये तो कैंसिल हो गया, इसमें से माइनस कॉमन आ रहा है और जेड कॉमन आ रहा है, क्या रह गया,
एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई बटे में क्या माइनस जेड कॉमन क्या रह गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, माइनस जेड कॉमन ले लिया यहाँ एक्स स्क्वायर बच गया और यहाँ पर क्या बच गया वाई स्क्वायर बराबर कितना डी जेड बटे क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट गया, अब क्या बचा अब बच गया एक्स डी एक्स, ये वाला एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस कितना वाई डी वाई बटे में कितना रह गया माइनस जेड बराबर कितना जेड है ये माइनस जेड और डी जेड ठीक है। अब जेड वाले पद को हम जेड की तरफ ही भेज देते तो इसका मतलब क्या रह जाएगा, इसका मतलब रह जाएगा एक्स डी एक्स और क्या माइनस वाई डी वाई बराबर कितना माइनस जेड डी जेड ठीक है ऐसा रह जाएगा। अब कर दे इसका समाकलन तो समाकलन करने पर क्या आएगा समाकलन करने पर, समाकलन करने पर क्या आएगा बताओ एक्स का समाकलन क्या होगा एक्स स्क्वायर बटे दो एक्स के सापेक्ष है माइनस वाई का समाकलन वाई स्क्वायर बटे दो बराबर माइनस जेड का समाकलन जेड स्क्वायर बटे दो प्लस कोई कॉन्स्टेंट सी टू। अब ये टू टू हटाने के लिए क्या कर दे दो का गुणा करवा दे इसमें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना माइनस का जेड स्क्वायर प्लस कितना टू सी टू ठीक है। टू 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 हट गया टू का गुणा इसमें हो गया टू सी टू हो गया ये एक्स टू का गुणा करवाएंगे तो यहाँ कट जाएगा यहाँ कट जाएगा यहाँ भी कट जाएगा यहाँ टू का गुणा आ जाएगा टू सी टू। अब क्या अगर इस जेड स्क्वायर को इधर ले लें या यही छोड़ दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो इसकी वैल्यू रह जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कोई सी थ्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दूसरा आंसर, माइनस का जेड स्क्वायर इधर ले लिया इस तरफ ले लिया प्लस का जेड स्क्वायर हो गया उधर टू सी टू को कॉन्स्टेंट को नया कॉन्स्टेंट सी थ्री नाम दे दिया टू सी टू भी छोड़ दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है और यही हमारा क्या हो जाएगा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा पेज कौन सा है पेज थ्री है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले ले और देखना क्वेश्चंस को और एग्जांपल्स को जितने भी हो जाए और नहीं होता तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं कोई समस्या हो तो। इनकी यदि गुणक की बात है तो हम सभी क्वेश्चंस के गुणक लिखकर भेज सकते हैं फिर तुम लोग करके देखना, बशर्ते तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्या गुणक की आवश्यकता है क्या हम गुणक भेजें।